तो अभी हमारे साथ गुरसाहेबगंज क्षेत्र के ये कौन सा कोल्ड स्टोर दादा? MI कोल्ड स्टोर के व्यापारी भाई मौजूद हैं। आज इनसे थोड़ी बातचीत करेंगे और इनके हिसाब से आलू का जो फ्यूचर है वो कैसा रहने वाला है और 2021 से 2022 अभी तक कैसा गुजरा है और आगे कैसा गुजरेगा, इन लोगों से जानेंगे और जानेंगे इधर के आलू का भाव वगैरह क्या है। सबसे पहले तो आपको हम इस बरामदे का थोड़ा व्यू दिखा देते हैं कि बरामदे में जो भी है काम काज चल रहा है, इन्हीं लोगों का आलू की कटाई हुई है। और जानकारी के लिए आपसे यहीं को बता दें कि इधर पे मतलब G4 और श्रीनाथ और आपका सिंदूरी कंचन न्यू हाईलैंड आलू ज़्यादा होते हैं, हाइब्रिड आलू की मात्रा कम होती है, कंचन ज़्यादा होता है। तो आपका नाम क्या साहब? ताहिर। आपका दादा? कहाँ से हो आप? समधन से। आपका? राजेश कुमार। आपका दादा? दिलसाद। तो अभी ये दादा लोग हमारे साथ में हैं। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि इस कोल्ड स्टोर में आलू का क्या भाव चल रहा है, आप बता दो। 550 रुपये कंचन, मतलब 550 रुपये प्रति कट्टा और किसान का दाम है ये, और कोल्ड भाड़ा अलग से। सिंदूरी और ख्याति पुखराज 500 सवा 500। न्यू आइलैंड अभी तो 650 रुपये तक भी था। अब बात आती है कटने की। अभी क्या हो रहा था, एक बहुत अच्छी बात कही जा रही थी, किसान के अंदर एक जिज्ञासा थी कि भाई बारिश होगा तो पक्का आलू का दाम बढ़ जाएगा, लेकिन बारिश हुआ, सब कुछ हुआ, हो भी रहा है, लेकिन दाम कट क्यों गया है, इसका रीजन आप बताएंगे? कौन बताएगा बताओ, आप बताओ। जैसा कि हम आप लोगों को समझा दें कि इनका कहने का मतलब ये है कि जब आलू की ज़रूरत व्यापारियों की थी तब किसान कम आ रहे थे, अब हमें मतलब डिमांड कम है और हमारे पास माल ज़्यादा है, मतलब खपत एक गाड़ी की है और यहाँ पे चच्चर गाड़ी लेके आ रहे हैं, भैया मेरा ले लो मेरा ले लो, आपका मतलब ये कम में दे दो तो हम एक और बना देंगे गाड़ी, और ज़्यादा में दोगे तो हम एक ही बनाएंगे, यही बात। तो मतलब अब इस समय अपरंपार, मतलब आपके पास पर्याप्त आलू हो रहा है। अभी कुछ लोग यहीं पे कह रहे थे कि किसान आ नहीं रहे हैं, और आप कह रहे हो कि किसान आ रहे हैं ज़्यादा, इसलिए दाम कट रहा है। अब आप बताओ, अभी आप कह रहे थे किसान कम आ रहे हैं, अब आने लगे हैं अभी तक कम आ रहे हैं, अब आने लगे हैं। अगर आने लगे हैं तो आजकल में कोई बिक्री भी नहीं यहाँ पर नहीं हुआ है, फिर आप लोगों ने लिया नहीं क्या? अपनी कटी पड़ी है ये श्रीनाथ, जो कटाई हो रहा है भैया कह रहे हैं आज ही का है, परसों लिया था, कल भी लिया था, लेकिन आज अभी कोई बिक्री नहीं हुआ है, और अभी कोई किसान भी हमें इस कोल्ड स्टोर में नज़र नहीं आ रहे हैं। मेरे हिसाब से कोई किसान तो नहीं आ रहा भैया, इतने सारे लोग, कौन किसान है आप? दादा किसान है, चलो बहुत अच्छी बात है, दादा इन लोगों में शामिल है, इनसे बातचीत भी करेंगे, और आप व्यापारी है? ये बताओ कि अभी आपका इधर क्षेत्र से आलू की लोडिंग किस क्षेत्र में होती है? पूर्वांचल में जाता है टोटल, टोटल पूर्वांचल जाता है। तो अभी फ़िलहाल में क्या था, पहले न्यू हाईलैंड आलू जो था नेपाल ज़्यादा मांगा करता था, इस बार क्यों नहीं मांग रहा है, इस बार मतलब क्यों नहीं नेपाल जा रहा है आलू? फिर अभी इस समय नेपाल कहाँ से माल ले रहा है? लोकल का ही ले रहे हैं इस समय, मतलब वहाँ का आलू उनको पर्याप्त मिल रहा है और सही दाम में मिल रहा है, तो यहाँ के आलू की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ऐसा हुआ था, ये बताओ कि इस बार 2022 में इस क्षेत्र में भी क्या बंगाली लोग आए थे माल लेने के लिए? फरखाबाद क्षेत्र में आए थे, सब लोग ये भी कह रहे थे कि उन लोगों ने इधर माल लेके भी रखा है, लेके नहीं रखा था। और आपने सुना ये भी होगा कि इस साल माल को बहुत कम भी निकल रहा था खेतों से, शायद हम जैसे लोगों से मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से सुना होगा, सभी लोग कह रहे थे कम निकल रहा था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि कोल्ड स्टोर भरने की कोई मतलब वो नहीं थी कि भर जाएंगे, अब बता रहे सब लोग कोल्ड स्टोर भी भर गए, ओवर बता रहे हो आप, कितना ओवर माना जाएगा? 10-5%। अच्छा पिछले साल से अब तक, अभी फिलहाल में माना कि अगस्त छोड़ दो, जुलाई तक निकासी पिछले साल से कम है या ज़्यादा है? कम है। पिछले साल कितनी होगी, अंदाज है कुछ? अंदाज बता दो कोई, मतलब इफेक्ट क्लियर नहीं बता रहा हूँ। 10-5 हज़ार का मतलब फर्क है, कोई खास नहीं। तो आगे चल के आपके हिसाब से मतलब क्या होने वाला है आलू में, ये बताओ। आगे चल के आलू कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक निकलता रहेगा।
मतलब धीरे धीरे करके बिक जाएगा, ऐसा तो नहीं किसान भाई सोच रहे यार बिके भी ना और पता चले भाड़ा भी जेम से ही देना पड़े दिवाली तक। और कल परसों मेरे पास दो चार से फोन आ रहे हैं कि भैया हमने सुना है सिर्फ अगस्त तक ये सब होने वाला है, बाद बाकी कुछ नहीं होगा। अच्छा ऐसा तो नहीं, इधर भी तो लोग नहीं कह देते भैया हसन आ गया अब आलू डिमांड खत्म हो गई, क्योंकि ऐसा होता है क्या था, अब तो सोशल मीडिया का दौर चलने लगा है। इससे पहले जब सोशल मीडिया नहीं था तब कोई क्या हसन जानता था क्या होता है? कोई जानता भी नहीं था, और कब आया कब खत्म होकर चला जाता था। लेकिन अब क्या है, तुरंत खबर आती है, व्हाट्सएप पे वीडियो आएगी, देखो फसल बहुत अच्छी है। एक तरीका का किसानों का मतलब अगर बोला जाए तो शोषण किया जाता भाई। आप लोग व्यापारी हैं लेकिन हम दोनों हित की बात कर रहे हैं भाई साहब। तो क्या है कि आगरा साइड में इस समय एक बहुत बड़ी अफवाह चलती है, भैया यार अब तो उधर आलू तैयार हो गया है, इधर आलू की डिमांड कम हो गई है। लेकिन इस बार ऐसा पहली बार हमें लग रहा हो रहा है कि लगातार आप दो तीन महीने से दाम भाई चल रहे हैं, 10-5 रुपये ऊपर नीचे हो रहा है, नहीं दाम भाई चल रहे हैं। क्या कुछ गुंजाइश है दो चार छः दिन में बारिश होने के बाद में या और कुछ? सितंबर में आ जाएगी, मतलब ऐसा तो नहीं, मतलब लोग सोच, देखो अब क्या है किसान भाई जो लोग सुन रहे हैं, हम आपसे बता रहे जानकारी के लिए कि भाई ने भी बोला है सितंबर में महंगाई आएगी। इसका मतलब ये नहीं कि चुपचाप घर पे ताला लगा के बैठ जाओ, मतलब बेचते रहो धीरे धीरे करके तो ठीक है ना। अच्छा आप बता दादा, ये दाम जो मिल रहा है इस दाम में क्या किसानों का पूरा लागत नहीं निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। कितने में निकलेगा? कम से कम 1000 रुपये होना चाहिए, मतलब 700 से लेके 750 रुपये बचत मिलना चाहिए। हाँ, किस आलू का? कौन सा आलू? अच्छा, जब मंडी में 350 रुपये कट्टा बिक रहा था तब कैसे पूर्ति हो रही थी? तो नुकसान हो रहा था, तो फिर काहे लिए लोगों ने बेचा, कोल्ड में रख देते फिर? नुकसान हो रहा था भैया, तब अच्छा देखो आप लोगों ने बताया कि भविष्य क्या रहेगा, अब दादा आप बताओ क्या लग रहा है आपको आगे आलू में? हमें तो ये लग रहा है कि किसान जो है वो डगमग नहीं आए। डगमग नहीं आए, हिंदी भाषा हम समझाओ भैया, उलट फेर है अगर दादा इतना, अगर आप जैसा कह रहे हो अगर जितनी बिक जाए तो कोई ना कोई यहाँ होना चाहिए था, इतने लोग बैठे खरीदने वाले बोलते भैया मेरा माल ले लो, ऐसा तो नहीं कोई है भी नहीं। अब अगर रियलिटी जो पूछी जाए, इनकी दिल की बात, इनको जरूरत है लेकिन किसान बता अभी भी छोड़ने के मन में नहीं है, अभी भी उनको लग रहा है रुको यार सोमवार को देखेंगे, यार बारिश हो गई देखें मंडी टाइट हो जाएगी सोमवार को तब बेचेंगे। आप आज ही आए हो कोल्ड में या रोज आते हो? दो तीन बार आए हो, आज भी आए हो, तो सिर्फ माहौल देखने आए थे या आलू की बिक्री भी करने आए थे? पर्ची कहाँ आपकी, चलो बिक्री करो देखें बिकता है या नहीं बिकता है भाई, कोई बेच ही नहीं रहा है। किसान से अगर बोलो कड़वी बात लगती है किसानों को, यहाँ आते हैं माहौल देखते हैं और सोच रहे यार मन ना, अभी सुनो अभी जब 450-450 रुपये जब मिल रहे थे तब किसानों ने बोला था कि भैया रुक जाओ 500-550 हो जाएगा, हम बेच देंगे धीरे धीरे करके। लेकिन अब जब 550-600 रुपये हो गया, हाँ चलो लो भैया लो भैया, दादा भी अब कह 700, अब आप वो तो ले रहे हैं ना बीजा ले रहे। अच्छा बीजा तो आप बीजा का नाम बता दो भैया, हम वो चीज नहीं ये चीज दे रहे थे, मैं अगर चाहो तो ले लो भैया, चलो ले लो। हाँ काय 500 का भैया, जो सिंदूरी रेट चल रहे हैं वो आप दो, कितना आपने रेट बताया सिंदूरी बताओ आप? 525 मतलब 525, 550 भी है यार भैया, बहुत सुपर हो यार। तो फिर भैया दादा सुपर नहीं है आपका माल का? अरे अच्छा आप बताओ जो किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए आप बताओ उनको क्या करना चाहिए, माल आपके जैसे रखा रहना चाहिए या सिर्फ आपके जैसे कोल्ड में घूम के लौट जाना चाहिए या बिक्री करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो ये कह रहे हैं कि किसान का आयदा हो कि किसान भला अगर ना हो तो बुरा ना हो। दादा भला बुरा तो जब ही होगा जब हमारे पास समय होगा, समय को भी देखो, समय देख रहे हो आप, 3-4.5 महीने बचे हैं, अक्टूबर में कोल्ड भी खाली चाहिए होते हैं, चलो ठीक है 10-15 दिन एक्स्ट्रा कर लेना,
फिर क्या करोगे, और माल अभी कितना भरा है। लेकिन अब बात पता किसान क्या सोच रहे हैं, यार सब झूठ बोल रहे हैं कि निकासी बहुत कम हुई है अंदर। अब कल से हम वीडियो में अंदर जाके दिखाने वाले हैं कि कितना माल भरा है, तब तो समझ में आएगा यार भाई ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जिला उद्यान अधिकारी के यहाँ से मैंने रिपोर्ट लिया है, पूरे कन्नौज जिले में अभी ओनली 26% निकासी हुई है, रियलिटी बिल्कुल सत्यता के साथ, वहाँ कोई झूठ नहीं है। अब भाई अब क्या है, हमने कल एक किसान से पूछा, वो बड़े किसान थे, फोन किया हम, कह रहे भैया निकासी कितना हो गई होगी, अरे यार 35% निकासी हो गई, सब झूठ बोल रहे हैं, मतलब खुद तो मरेंगे, बड़े तो हैं भाई, उनके बुरका फर्क पड़ेगा, 1-2 लाख का घाटा हो जाएगा। लेकिन पता चले जिसका सिर्फ 1-2 लाख का ही आलू रखा है वो क्या करेगा, तो इससे बढ़िया यही है। किसान भाइयों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग सुनो सबकी, लेकिन करो मन की भाई, चाहे वो व्यापारी बोले चाहे मैं बोलूँ, मैं भी कोई भाग विदाता नहीं हूँ, मैं ज़्यादा बड़ा भाग विदाता हूँ, पूरे कोल्ड में खुद का आलू रख दूँ, अपने हिसाब से बेचूँ, यार भाई महंगा होगा, हमें तो पता होगा ना। लेकिन सबसे पहली बात ये सब्जी है पता नहीं कब बिके और कब फेंके। 2021 में क्या हुआ था, किसानों को मैं बोलता रहा कि भाई निकालो निकालो, लेकिन नहीं, ऊपर से थपने आ रहे थे 2000 रुपये कट्टा बिकेगा, 2020 का कंपेयर कर रहे थे। लेकिन 2020 में क्या था, लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन में भैया आदमी कह रहा 10 रुपये ज़्यादा ले लो, लेकिन हम घर में निकलेंगे नहीं बाहर, ये तब पैसा का खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। तो अब 2020 नहीं आएगा, 2000 रुपये के चक्कर में ना रहो। मेरे हिसाब से सभी किसान भाइयों को अपना अपना आलू धीरे धीरे करके निकालना चाहिए।